नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रीवियस पेपर को हल कराएंगे। एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीएचएल, बैंक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम आपको आसानी से हल करना सिखाएंगे। ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, जो हमारे कमज़ोर छात्र हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। हम इसी तरह से अपनी सीरीज में जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम आपको आसानी से हल करना सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले खुद से एक बार कोशिश करिए, उसके बाद आप पेन और कापी उठाइए, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, आप क्वेश्चन को हल करने से पहले आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आप पेन और कापी उठाइए। दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन, आप एक बार फिर से पढ़िए, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिया गया है, दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको दिया गया है जो आप उसी को हल करना है। दोस्तों, इसमें दिया गया है M1 बराबर आपको 10 दिया गया है, और D1 बराबर दोस्तों 20 दिया गया है, और M2 इसमें ज्ञात है दोस्तों, और इसमें D2 पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों दिया गया M1 बराबर 10 गुणे 20 बराबर M2 बराबर 20 गुणे D2। अब दोस्तों, ये बोल रहा है दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, दोगुनी क्षमता का बोला है, तो दोस्तों आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। दोस्तों, दोगुनी क्षमता का बोल रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ करना है 10 गुणे 20 बराबर 14 गुणे D2। दोस्तों, 0 से 0 इधर कट गया। दोस्तों 2 दूनी 4, सॉरी दोस्तों 2 दूनी 4, 2 से इधर कट गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2 दूनी 4 दोस्तों आपका ये कट गया है। उसके बाद दोस्तों इधर 2 बचा, तो आप इधर 2 से 2 बचा, 2 पंचे 10, इधर 5 आ जाएगा। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा बताता हूँ। दोस्तों, इसमें M1 दिया है और D1 दिया है और M2 दिया है, D2 पूछा है, लेकिन दोस्तों इसमें दोगुनी क्षमता का बोला है, तो आपको सिर्फ जो दूसरा व्यक्ति है उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 16/5 में कुल कितने 8/15 हैं। दोस्तों, आप इससे खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन के समझ ये बोल क्या रहा है, संख्या 16/5 में कुल कितने 8/15 हैं। दोस्तों, हम इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होगा कि इसमें कह क्या रहा है, आपको दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन जब मिलें तो आपको क्या करना है। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बोला है 16/5 में कितने 8। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये 8/15 है इसको आपसे इसको डिवाइड कर देना है। दोस्तों, अगर डिवाइड करेंगे तो ये 16/5 गुणे ये हो जाएगा दोस्तों 15/8। दोस्तों, 8 से 2 कट जाएगा, 2 16, 5 से 3 का 5 15, 3 2 6। दोस्तों, आपका आंसर बी आएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, दोबारा बता दें, दोस्तों इसमें 16/5 को कुल कितने 8/15 हैं, बस आपको ये 8/15 को 16/5 में आपको भाग दे देना था, बस आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको प्रीवियस पेपर जितने भी पूछे गए कंपटीशन एग्ज़ाम में, SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप D,
पुलिस में आपको पूरे हल कराया जाएगा। दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। मैं आपको इसको आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। दोस्तों आप एक बार खुद से अपने आप से प्रयास करिए। इसमें पूछा गया है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों क्वेश्चन कहे क्या रहा है, एक वर्ग की भुजा है उसको दोगुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि। दोस्तों इसमें वर्ग की भुजा हमको नहीं पता है। और दोस्तों आपको पता है जब भी प्रतिशत की बात होती है, दोस्तों जब भी प्रतिशत की बात होती है तो हम लोग 100 लेते हैं। दोस्तों हम लोग 100 लेते हैं, लेकिन इसको निकाला कैसे जाएगा। अभी कुछ दोस्त इसमें फार्मूला लगाते हैं, पता नहीं एक्स वाई मान के। दोस्तों आपको इसमें एक्स वाई मानने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करिए। दोस्तों इसमें प्रतिशत की बात हुई, आप वर्ग की भुजा, आप वर्ग की भुजा हम मान लीजिए कि आपकी वर्ग की भुजा 100 है। अब बोल क्या रहा है, एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए। दोस्तों इसमें वर्ग की भुजा को दोगुना किया, दोगुना बोल करने की बात की गई है। इसमें हमने माना है वर्ग की भुजा 100 है, तो ए बराबर मान लो 100 माना है, तो इसकी दोगुना, इसको दो गुना करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 200। आपने माना दोस्तों 100 है, इसको दोगुना किया 200, एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया इस क्षेत्रफल में कितने, आपको दोगुनी कर दिया दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 200 × 200 × 200 आपको दोस्तों 2 0 काट देना है। अब ये पूछे कैसे दोस्तों, अभी इसको दोस्तों इसको 100 से भाग, परसेंट की बात की गई है। अब दोस्तों आपको परसेंट लिखने की क्या ज़रूरत है, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप इसको सीधे 2 0 काट दिए, 1 0 2 0 कट गया, अब बचा 2 0 इधर दोस्तों, 1 0 इधर, 1 0 इधर। दोस्तों ये होगा, ये हो गया 400 आपका। 400 दोस्तों, ये 400 इनसे नहीं आया। अभी कुछ स्टूडेंट जो हमारे भाई हैं इसको 400 टिक करके चले आते हैं। दोस्तों इसमें आपका 400 आंसर नहीं है कि आपका 400, आपने माना माना था ए, आपने ए माना था कि आपका 100% है, वर्ग की भुजा 100 है, आप आंसर आया आपका 400। तो इसमें 400 में दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है, दोस्तों 100 में आपका 400 के बीच कितने की वृद्धि हुई है, 300 की वृद्धि। दोस्तों आपको हमें बताने में आपको टाइम लग रहा है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको, इस बात को समझिए मैं कह क्या रहा हूँ। दोस्तों एक बार फिर से बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मैं बता क्या रहा हूँ, आप दोस्तों एक बार क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मैं बता क्या रहा हूँ, दोस्तों मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। दोस्तों बोल रहा क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा दोगुनी करनी है। दोस्तों आप इसको दोगुना कर दीजिए, आप मानिए 100 है, आप दोस्तों इसका दोगुना करेंगे 200 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आपको दोस्तों इसको करना, दो बार गुणा करना है, स्क्वायर इसकी भुजा होती है वर्ग का स्क्वायर। आप 200 से दो बार किए मल्टीप्लाई, 200 × 2, 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर, दोस्तों आपका आ गया 400। अब माने थे 100 दोस्तों, 100 में 400 में कितनी वृद्धि हुई, 300 की, तो आपका आंसर आया 300। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको नहीं समझ में आया, एक बार हमारा वीडियो फिर से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज का हमारा 4 स्टार क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों हल करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ आप खुद से प्रयास कीजिए। अभी मैंने दोस्तों बताया, अभी दोस्तों मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन बताया, अब आप इसको खुद से एक बार हल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 10% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, अर्धव्यास, अर्धव्यास उसको समझेंगे क्या है, समझेंगे कि व्यास है, उसकी त्रिज्या निकालना चालू कर देंगे, जैसे आर बराबर कर देंगे इसका 5। दोस्तों अर्धव्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है, आपको त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी त्रिज्या दी हुई है। दोस्तों इसमें बोल क्या रहा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 10% बढ़ाया जाए, 10% बढ़ाने की बात की, तो मैंने बोला था दोस्तों जब परसेंट की बात हो आप 100 लेंगे, 100 में क्या बोला 10% बढ़ाया जा रहा था, कितना हो गया दोस्तों 110 हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बोला है। तो आपको इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब जैसे वो पिछला क्वेश्चन दोस्तों ने किया था वैसे इसको भी करेंगे। अब बोला है 10% बढ़ाया गया तो गुण दोस्तों 110 × 110,
दोस्तों किए, मैंने बोला था 200 100 लिखें, 2 0 काट दीजिए आप, 2 0 काट दिए, 11 का गुणा 11 दोस्तों 121 हो जाएगा, 121 हो गया दोस्तों। और दोस्तों आपने 100 माना था, कितने की वृद्धि हुई, 21 की, क्योंकि दोस्तों 100 से 121 आया तो 21 का वृद्धि हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। दोस्तों एक बार आपको फिर से बताता हूँ क्या क्या रहा, आप उसको त्रिज्या आप 100 माने, अर्धव्यास जो है उसका 100 है, अब कितने की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। आपको उसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, तो 110 × 110 कर दिए दोस्तों, 2 0 कट गया, 11 ग्रह में 121 आ गया, आप 100 माने तो दोस्तों 121 आया है, तो 21%। अगर दोस्तों यही आपका 100 से कम आता है दोस्तों, अगर जब भी कोई चीज़ पूछे, अगर आपको जैसे दोस्तों कभी पूछा जाता है एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई, फिर 10% घटा दी गई, 200 110 × 90 जैसे कि 0 11 11 9 99 हो गया, तो दोस्तों 100 से एक कम है, तो आपको 1% की कमी आएगी दोस्तों। आपको इस तरह समझना है, अगर 100 से ऊपर है दोस्तों तो वृद्धि होगी, अगर 100 से कम है तो आपकी कमी होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सा लिखिए आप वृद्धि हो रही तो आप जितने भी वृद्धि उसको गुणा कीजिए, उसके बाद 2 0, आपको 100 भी लिखने की जरूरत नहीं, आपकी टाइम की सेविंग के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आया होगा। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो काफ़ी पसंद आए दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इसी तरह से आप वीडियो हम लाते रहेंगे, कि आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम इसी तरह से क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी तरह से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।